ये कहानी है गंगोत्री मनहरे की, ये कहानी है जिला बलौदा बाजार भाटापारा की, और ये कहानी है एक ऐसी बच्ची की जो अपने पैरों से अपनी ही चित्र बनाती है और भगवान के। 9वीं क्लास में पढ़ती है, आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन आम आदमी की तरह उसकी जिंदगी नहीं, कोई हॉस्टल या स्कूल में अकेले नहीं जा सकती पढ़ने। गंगोत्री के पिता कालीचरण मनहरे अपने बच्चों को पढ़ाने चाहते हैं, लेकिन शासन और प्रशासन की मदद के लिए कलेक्टर व महिला बाल विकास के और मंत्री को कई आवेदन दे चुके हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। कुल मिला के ये कहानी एक ऐसी बेटी की जो अपने भविष्य को ढूंढती है अपने बाप की आंखों में, लेकिन बाप की आंखें कहीं ना कहीं लाचार हैं। बेटी पढ़ पाएगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मदद के लिए अभी तक कोई भी सरकारी पग नहीं उठे हैं। 350 रुपया मिल रहा है केवल पेंशन, तो 350 रुपये में परिवार का खर्चा, और किस तरह बुजुर्ग बाप को अपनी बेटी अपने लाचार नज़रों से देखती है, कहानी है। और यह कहानी है एक दिव्यांग की जिसने लगाई है प्रशासन से गुहार। छत्तीसगढ़ से आर स्टीफन की रिपोर्ट, लाइव भारत के लिए। मेरा नाम गंगोत्री मनहरे है, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मैं चित्र बना लेती हूँ, मेरे चित्रकला में बहुत रुचि और पढ़ाई में भी। मैं वार्ड नंबर 20 में रहती हूँ, गुरु नानक वार्ड नंबर 20 में रहती हूँ, पंचम दीवान भाटापारा में पढ़ती हूँ। आपका नाम? कालीचरण मनहरे, गुरु नानक वार्ड भाटापारा, सरवानी 20 भाटापारा में रहती हूँ, और मेरे बच्चे का विकलांग है। आपका बच्चे का नाम? गंगोत्री मनहरे, और रायपुर मंत्रालय में आवेदन दिया था, और उसके बाद मैं कलेक्टर के पास गया था 2-3 बार, और उसके बाद कल्याण विभाग गया था, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। पढ़ाई लिखाई के लिए और पालन पोषण के लिए आवेदन दिया था।